दिवंगत एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक्ट्रेस संजना सांगी अपना बयान देने के लिए मंगलवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। एक्ट्रेस का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही हैं। मालूम होता है कि सुशांत मामले में अभी तक 27 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें सुशांत के परिवार वाले कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा सहित अन्य लोगों के बयान शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सुशांत की 2007 से लेकर 2020 तक की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि पता चल सके कि इन सालों में सुशांत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बदल गई थी। एक्ट्रेस संजना सांगी ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में काम किया है जो 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। दिवंगत एक्टर के सम्मान में OTT प्लेटफॉर्म यह फिल्म जो सब्सक्राइबर नहीं है उनको भी देखने की सुविधा देगा। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग फिल्म को OTT पर रिलीज किए जाने के फैसले से काफी नाखुश दिखे और उन्होंने कुछ समय तक के लिए ही सही लेकिन फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज किए जाने की मांग की। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी कंपनी APSC के अध्यक्ष और स्टार एंड डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर ने कहा, हमें खुशी है कि हम सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की विरासत को संजो कर आपके सामने लाने में एक छोटी भूमिका निभा पा रहे हैं। उनके बेहतरीन जीवन और उम्दा काम के सम्मान में हम दिल बेचारा को और इस जुलाई डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज करेंगे और यह सभी ग्राहकों के साथ ही उनके लिए भी उपलब्ध होगी। जो हॉटस्टार के ग्राहक नहीं हैं, हम उनके परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।